भूलने की आदत इंसान की सबसे खराब आदतों में से एक है, क्योंकि इस आदत के कारण न सिर्फ खुद वो इंसान जिसे भूलने की समस्या है परेशान हो जाता है, बल्कि उससे जुड़े दूसर लोग भी कई बार परेशानी में पड़ जाते हैं। भूलने की समस्या लगभग हर उम्र के लोगों में पाई जाती है। भूलने का मुख्य कारण एकाग्रता की कमी है। अधिकतर समस्या रिकॉल करने में होती है, क्योंकि हमारे दिमाग को रिकॉल प्रोसेस के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसलिए उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए यहाँ बताए गए नुस्खे अपनाकर कोई भी भूलने की आदत से छुटकारा पा सकता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञानो विज्ञानो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल बटन फॉर न्यू वीडियो अपडेट। लेट्स स्टार्ट। एक, बादाम। बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह छिलके उतारकर बारीक पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक गिलास दूध गर्म करें और उसमें बादाम का पेस्ट खोलें। इसमें 3 चम्मच शहद भी डालें। दूध जब हल्का गर्म हो तब पिएं। यह मिश्रण पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ न खाएं। 2. कॉफी। जो लोग सुबह कॉफी पीते हैं वे कॉफी न पीने वालों की तुलना में अधिक फुर्ती से अपने कार्य निपटा लेते हैं। याद, आप दोपहर में भी चुस्त रहना चाहते हैं तो कॉफी का सहारा लें। शोधकर्ताओं के अनुसार कैफीन मस्तिष्क के उन हिस्सों को क्रियाशील करता है जहां से व्यक्ति की सक्रियता, मूड और ध्यान नियंत्रित होता है। 3. भ्रमी। कमजोर याददाश्त को बुढ़ापे की निशानी माना जाता है, लेकिन बार बार भूलने की समस्या केवल बूढ़ों के साथ ही नहीं बल्कि जवान लोगों के साथ भी होती है। भ्रमी दिमागी ताकत बढ़ाने की मशहूर जड़ी बूटी है। इस्क। 1 चम्मच रस रोज पीना लाभदायक होता है। इसके साथ पत्ते चबाकर खाने से भी याददाश्त बढ़ती है। 4. सेब। कम ही लोग जानते हैं सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन विशेष फाइबर होता है। यह इम्यून सपोर्टिव प्रोटीन्स के स्तर को बूस्ट करता है, इसलिए दिन भर में एक सेब खाना आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। रोज सेब का सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। 5. हरी चाय। हरी चाय एक स्वास्थ्यवर्धक पेय है। वैज्ञानिकों को मिले सा क्षय के अनुसार यह मस्तिष्क के लिए लाभदायक होती है। वैज्ञानिकों ने इसमें ऐसे रासायनिक तत्व पाए हैं जो मस्तिष्क की कोशिका के उत्पादन, स्मृति में सुधार के साथ साथ सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। 6. मछली। मछली को दिमाग के लिए पोषक आहार माना जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी हैं। मछली के सेवन से दिमाग तेज होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। मछली का तेल भी ब्रेन टॉनिक का काम करता है। यह तेल प्राकृतिक रूप से आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होने से रोकता है, साथ ही एकाग्रता, बुद्धिमता और तर्क करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। 7. दही। दही में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दही का नियमित सेवन करने से कई लाभ होते हैं। यह शरीर में लाभदायी जीवाणुओं की बढ़ोतरी करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है जिससे दिमागी तनाव दूर होता है और याददाश्त बढ़ती है। 8. तुलसी। तुलसी को हिंदू धर्म में देवी का रूप माना गया है। इसका उपयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। यह कई बीमारियों में औषधि का काम करती है। रोजाना तुलसी के 2-4 पत्ते खाने से बार बार भूलने की बीमारी दूर हो जाती है। 9. हल्दी। हल्दी दिमाग के लिए एक अच्छी औषधि है। यह सिर्फ खाने के स्वाद और रंग में ही इजाफा नहीं करती है बल्कि दिमाग को भी स्वस्थ रखती है। इसके नियमित सेवन से अल्जाइमर रोग नहीं होता है, साथ ही यह दिमाग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करने का भी काम करती है। 10. काली मिर्च। काली मिर्च में पेपरिन नाम का रसायन पाया जाता है। यह रसायन शरीर और दिमाग की कोशिकाओं को रिलैक्स करता है। डिप्रेशन में यह रसायन जादू सा काम करता है, इसीलिए यदि आप अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का उपयोग करें। 11. दालचीनी। अल्जाइमर रोगियों के लिए दालचीनी एक जबरदस्त दवा है। दालचीनी के नियमित सेवन से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग स्वस्थ रहता है। 12. स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अपनी मनमोहक सुगंध के कारण पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक, आइसक्रीम आदि का स्वाद भी बढ़ाती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो मेमोरी लॉस से बचाने का काम करते हैं।